Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कनाडा पहुंच गई। कनेडियन वजीर आजम कहते हैं अब हमें पहले से बेहतर तैयारी करना होगी। टोरंटो में पुलिस ने फायरिंग करके औरत को कत्ल करने की कोशिश करने वाले मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,60,743 हो गई, जबकि हलाकतें 13,431 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,26,55,939 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 16,19,077 हो गई। ट्रंप की ट्वीट पर आरजी पाबंदियां आयद कर दी गईं। ट्विटर ने एक बार फिर पॉलिसी की खिलाफ अर्जी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट के खिलाफ एक्शन ले लिया। अमीर मुल्कों ने वैक्सीन खरीदने में गरीब मुल्कों का इस्तेमाल किया। पीपल्स वैक्सीन अलायंस का कहना है कि अमीर मुल्कों ने अपनी आबादी से 3 गुना ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें वक्त से पहले खरीद ली हैं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। एशिया के 50 मकबूल फनकारों में 4 पाकिस्तानी फनकार भी शामिल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फहरिस्त में उन फनकारों को शामिल किया गया जिन्होंने गुज़िश्ता 12 माह के दौरान अच्छा काम किया। सलमान खान किंग खान की फिल्म पठान में जलवागर होंगे। फिल्म पठान में जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण मरकजी किरदार में दिखाई देंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699 फॉर फैमिली लॉ रियल एस्टेट विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा 9059566699 पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा 9059566699। फाइजर और बायोटेक इनकी कोरोना वैक्सीन की खुराकों की पहली खेप कनाडा पहुंच गई। ट्रूडो का कहना है कि ये खुशखबरी की बात है, लेकिन कोविड 19 के खिलाफ हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में फाइजर और बायोटेक इनकी कोविड 19 की खुराकों की पहली खेप क्यूबेक पहुंची। इस हवाले से कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट में कहा कि ये एक अच्छी खबर तो है, ताहम कोविड 19 के खिलाफ जारी हमारी जंग खत्म नहीं हुई है और अब पहले से कहीं ज्यादा हमें तैयारी करना होगी। पब्लिक हेल्थ एजेंसी के इंचार्ज मेजर जनरल डैनी फॉटन का कहना था कि वैक्सीन की तरसील का शेड्यूल बिल्कुल उसी तरह मुमकिन हो रहा है जैसे हिकमत अमली बनाई गई थी। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वैक्सीन की तरसील का अमल आइंदा भी जारी रहेगा और वैक्सीन की तरसील के बाद कोरोना वैक्सीन के कौमी प्रोग्राम का आगाज होगा जिसके बाद कोरोना वायरस फैलने का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। फॉर्टेन का ये भी कहना था कि सूबे आने वाले दिनों में वैक्सीन पिलाने की पोजीशन में होंगे। ख्याल रहे कि कनाडा में कोरोना वायरस से अब तक 13,000 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए हैं। टोरंटो पुलिस ने खातून को गोली मारकर कत्ल करने वाले मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो शहर में एक शख्स ने फायरिंग करके एक खातून को कत्ल करने की कोशिश की। बाद अजा पुलिस ने तहकीकात के सिलसिले में 31 साला रोमान एटिंकिंस की तलाश शुरू कर दी। दूसरी तरफ पुलिस ने खातून को गोली मारकर कत्ल करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज क्वीन स्ट्रीट वेस्ट में गोलियां चलने की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस जाय वकूआ पर पहुंची और खातून की लाश को जब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। रोमान एटिंकिंस पर यह भी इल्जाम है कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रीजेंट पार्क के पड़ोसी को भी जान से मारने की धमकी दी थी।
कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,431 हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,60,743 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,431 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 1,63,915 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,508 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,40,181 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,949 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 80,099 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 719 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 40,797 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 598 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,06,459 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,26,55,939 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,19,077 हो गई, जबकि 5,08,74,955 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरफहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,06,459 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 1,67,37,267 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,43,393 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 98,84,716 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,81,419 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 69,01,990 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 46,941 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 26,53,928 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमू अमवात 57,911 हो चुकी है, जहाँ इसके अब तक कुल केसेस 23,76,852 रिपोर्ट हुए हैं। इटली में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 64,520 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 18,43,712 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,048 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,59,888 तक जा पहुँची है। डोनाल्ड ट्रंप फिर ट्विटर पाबंदियों की जद में आ गए। मरवजा पॉलिसी के बरखिलाफ ट्वीट पर समाजी राबते की वेबसाइट ने अमरीकी सदर के ट्वीट पर आरजी पाबंदी लगा दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्विटर ने एक बार फिर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट के खिलाफ एक्शन ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप फिर ट्विटर पाबंदियों की जद में आ गए। मरवजा पॉलिसी के बरखिलाफ ट्वीट पर समाजी राबते की वेबसाइट ने अमरीकी सदर के ट्वीट पर आरजी पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक पे दर पे ट्वीट का सिलसिला शुरू किया, तो ट्विटर ने धोखादही और इंतखाबी नतज पर असरअंदाज होने की पॉलिसी के तहत मस्कूरा ट्वीट को महदूद कर दिया। ट्विटर ने इंतखाबात से मुतालिक ट्रंप की ट्वीट को रीट्वीट करने वाले सार्फिन के अकाउंट पर भी आरजी पाबंदियां आयद की। ट्रंप की ट्वीट को पढ़ने या शेयर करने वाले व्यूअर्स को पैगाम लिखा हुआ आ रहा था कि ट्विटर कानून के खिलाफ वर्जी की पादाश में आरजी पाबंदियां आयद की हैं। एमनेस्टी और पीपल्स वैक्सीन अलायंस ने कहा है कि 2021 में तकरीबन 70 गरीब ममालिक अपनी आबादी के सिर्फ 10वें हिस्से को वैक्सीन फराहम कर पाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर मुल्कों ने वैक्सीन खरीदने में गरीब मुल्कों का इस्तेहसाल किया है। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी और बरतानवी इदारे ऑक्सफैम पर मुश्तमिल पीपल्स वैक्सीन अलायंस का कहना है कि अमीर मुल्कों ने अपनी आबादी से 3 गुना ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें वक्त से पहले खरीदी हैं। एमनेस्टी और पीपल्स वैक्सीन
वैक्सीन। अलायंस ने कहा है कि 2021 में तकरीबन 70 गरीब ममालिक अपनी आबादी की सिर्फ 10वें हिस्से को वैक्सीन फराहम कर पाएंगे। वाज़ह रहे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,21,87,865 तक जा पहुँची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 16,13,000 से ज़ायद हो गई हैं। अमेरिका में फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कहा था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 3,05,082 अफराद मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 1,65,49,366 हो चुकी है। रवा साल जारी की जाने वाली एशिया के 50 मकबूल फनकारों की फहरिस्त में 4 पाकिस्तानी फनकार भी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी अखबार ईस्टर्न आई की जानिब से रवां साल जारी की जाने वाली एशिया के 50 मकबूल फनकारों की फहरिस्त में 4 पाकिस्तानी फनकार भी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फहरिस्त में उन फनकारों को शामिल किया गया है जिन्होंने गुज़िश्ता 12 माह के दौरान अच्छा काम किया, लोगों को उम्मीद दी, इंसान दोस्ती की मिसाल कायम की और अपने अनोखे अंदाज से लोगों को मुतासिर किया। फहरिस्त में 21वें नंबर पर मौजूद अदाकारा सरवत गिलानी वेब सीरीज चुड़ैल्स का हिस्सा हैं। अदाकार बिलाल अब्बास खान ईस्टर्न आई की जानिब से मरतब की जाने वाली फहरिस्त में 28वें नंबर पर हैं। गुलुकार और अदाकार अली जफर इस फहरिस्त में 39वें नंबर पर हैं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकारा शर्मीन ओबैद चनाई ईस्टर्न फहरिस्त में 49वें नंबर पर हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पठान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ एजेंट का किरदार अदा करेंगे। फिल्म में उनके मद मुकाबिल दीपिका पादुकोण मरकजी किरदार निभाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के मदाह बेसब्री से उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि वो 2 साल के आराम के बाद एक बार फिर फिल्मों में वापसी कर रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान कई सालों से कोई भी सुपरहिट फिल्म देने में नाकाम साबित हुए हैं। ताहम वो अपनी फिल्मों में सलमान खान की एंट्री के जरिए इसको कामयाब करने की कोशिश करते हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पठान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ एजेंट का किरदार अदा करेंगे। फिल्म में उनके मद्दे मुकाबिल दीपिका पादुकोण मरकजी किरदार निभाएंगी और इसके अलावा जॉन अब्राहम भी अहम किरदार में दिखाई देंगे। दूसरी जानिब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान भी शाहरुख खान की फिल्म पठान में एंट्री देंगे। हैरानकुन तौर पर वो अपनी कामयाब तरीन फिल्म टाइगर जिंदा है के किरदार टाइगर में दिखाई देंगे, जबकि फिल्म में उनका किरदार मुख्तसर नहीं होगा बल्कि फिल्म में उनकी एंट्री 20 मिनट से ज्यादा होगी। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।